जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैमूर है और आज मैं एक फूड ब्लॉग के लिए लाहौर से बाहर जो है वो ट्रैवल कर रहा हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मोटरवे पे और मेरी डेस्टिनेशन है आज गुजरांवाला। आज मैंने गुजरांवाला का फूड ट्राई करना है और आपको आज दिखाऊंगा मुख्तलिफ पॉइंट्स। और गुजरांवाला जो है वो बहुत मशहूर है अपने खाने के लिए और वहाँ का जो देसी फूड है, जो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंगली जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। गुजरांवाला के शहर हम पहुंच चुके हैं और हम आए हैं सबसे पहले शहबाज टिक्का पे। ये आपको मेरे पीछे बोर्ड दिख रहा होगा और ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ये आपको दिख रहा है। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये मेन गुजरांवाला जो रोड है ये आपको दिख रही होगी सामने, यहाँ पर ये सिचुएटेड है और बहुत ही मशहूर है गुजरांवाला का मोस्ट फेमस पॉइंट। और हम यहाँ आए हैं और अब खाना ट्राई करते हैं, किचन दिखाते हैं और उसके बाद अपना रिव्यू शुरू करते हैं। शहबाज टिक्का जी, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ, मैं चांदा किला ब्रांच का मैनेजर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब चार ब्रांचेज हैं, सियालकोट में है, दो गुजरांवाला में है और एक मरी में है। हमारे पास सर पाकिस्तानी, चाइनीज़ और बारबेक्यू तीन किस्म का फूड है। उसमें बारबेक्यू में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मुकम्मल वैरायटी है, नली है, चाँप है, मटन टिक्का है, मटन कनेरी है, उसके साथ अपना मलाई बोटी, कस्तूरी बोटी, रेशमी कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब, उसके बाद साथ साथ बटेरे हैं हमारे पास जो गुजरांवाला के पहचान है। बेसिकली चिड़े बटेरे हैं, लेकिन चिड़े तो नहीं है, बटेरे हमारे पास अवेल है, वो ये गुजरांवाला की पहचान है। जी आपने जैसे देखा है कि मैंने आपको सारा किचन टूर दिखाया है और शहबाज टिक्का के अंदर अभी काफ़ी रश है और मैं फैमिली हॉल में इस टाइम बैठा हुआ हूँ। मैंने खाने का ऑर्डर किया था और आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट खाना आता है, क्योंकि एक तो ये यहाँ पे जो है रश का जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑर्डर बहुत लगे होते हैं और सिर्फ मैं नहीं, जितनी भी फैमिलीज़ यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन्होंने तकरीबन आधा आधा घंटा इंतज़ार किए और मुझे 20-25 मिनट के बाद ऑर्डर आ गया। मैंने ऑर्डर किया था यहाँ पर मिक्स प्लेटर, जिसमें क्योंकि शहबाज टिक्का नाम से ही आपको कंफर्म हो जाता है कि टिक्का मतलब बारबेक्यू का जो इनका ड्राई मीट वाला जो जितना भी इनका मेन्यू है वो बहुत मशहूर है और लोग सिर्फ गुजरांवाला से नहीं करीब के इलाकों से भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेंथ में यहाँ पे विज़िट करते हैं। आज मैंने दिन ये इसलिए चूज़ किया था कि रश कम मिले, फिर भी यहाँ पर रश माशाल्लाह काफ़ी है और मैं आपको दिखाता चलूँ कि मिक्स प्लेटर मेरा आ गया है। मिक्स प्लेटर में आप देख लें चिकन पीस आ जाता है और ये एक गोला कबाब सॉर्ट ऑफ है, टिक्के आ जाते हैं, ये चाँप आ जाती है, कबाब आ जाते हैं और साथ ही एक बड़ी गर्म सी जो है हॉट प्लेट में सर्व करते हैं। सबसे पहले मैं ये गोला कबाब, ये आप चेक करें कितना बेहतरीन है,
पहले ये ट्राई करते हैं, एक साथ में लूँगा टिक्का और टिक्के के साथ कबाब मैंने लाजमी ट्राई करना है। अच्छा, इसमें ये बिहारी बोटी भी आपको दिख रही होगी, ये टिक्का और बोटी सब इसमें सब चीज़ें मिक्स होती हैं। ये मैंने थोड़ा सा ले लिया, ये चेक करते हैं और आपको बताता हूँ मैं इसका टेस्ट कैसा है। खुशबू में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। थोड़ा सा लीमू हम इस पर छिड़केंगे। सबसे पहले मैं सादी रोटी के साथ ये जो आप देख रहे हैं ये गोला कबाब कोफ्ता नुमा ये मैं ट्राई करता हूँ और ये बड़ा ही अपील कर रहा है मुझे। और इसको तोड़ते हैं तो ये देखें बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही बेहतरीन इसका जो है वो टेस्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क है। मतलब खुश से मुराद है कि इट्स वेल कुक, तो वेल कुकड है तो फिर ऑब्वियसली ड्राई हो जाता है। अब मैंने ट्राई करना है ये टिक्का और मुझे अच्छा लगा प्लेटर में सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप आए ऑर्डर करें प्लेटर तो ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें इसमें एक तरह से कंपाइल की हुई हैं उन्होंने। टिक्का इनका जो है वो चिकन टिक्का अच्छा है और मोर और लेस जो बाकी जगहों के बारबेक्यू होते हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब बारी आ जाती है मेरे फेवरेट कबाब की, रायते में लगा के और रायते के ऊपर मैंने थोड़ा सा लीमू एक बेहतरीन सी बाइट बना के ट्राई करते हैं। बेस्ट है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और ना एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि मीट की क्वालिटी बहुत फाइन है, वेरी फाइन, अच्छा मज़ेदार है। ये पीस है, इसका मैं एक बाइट लूँगा पीस को, अब हम ट्राई करते हैं। पीस भी बड़ा गर्म है इनका माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेहतरीन। ये इनकी आप चांप चेक करें, कबाब टिक्का जो मशहूर है जिस वजह से, ये इनकी चांप किस कदर इसका जो मीट है वो सॉफ्ट है, ये देखें। और अब चांप का साइज़ भी चेक करें, माशाल्लाह बेहतरीन है। और ये जो है मैं सिर्फ रायते से लगाऊंगा और लीमू इस पर निचोड़ के जो मैं खा रहा हूँ ना वो आप बिलीव करेंगे क्या कमाल टेस्ट हो गया। काश के ये कैमरे से आप लोग खा सकते मगर नहीं। मेरी तरफ से ये शहबाज टिक्का का पॉइंट जो पहला हमने गुजरांवाला में पिट स्टॉप लिया है और हमारा एक फूड टूर सॉर्ट ऑफ मैंने आज कोशिश की है कि मैं बनाऊं। और शहबाज टिक्का नो रिग्रेट के यहाँ पे आप जब भी आएँ बेहतरीन आके साथ सैलड खाएँ और अपना फूड इन्जॉय करें। एम्बियंस बहुत अच्छा है, सिटिंग प्लेस बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए ह्यूज स्पेस है। मेरी तरफ से शहबाज टिक्का 100% रिकमेंडेड।